बनारस की खूबसूरती देखकर के दिलों से आवाज निकलती है, घूमने दो सबको इस के बदनाम शहर मुंबई में, हम तो सनम तुम्हें घुमाएंगे ये बनारस की घाटों में, वाह 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 वाह। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू वाराणसी। कल का शाम हुआ था हमारा प्रयागराज में और आज का सवेरा होते ही मैं पहुंच चुका हूं वाराणसी। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और आज के इस ब्लॉग में मैं कवर करने जा रहा हूं पूरी बनारस सिटी को। लेकिन उससे पहले आप एक बात जान लो कि वीडियो आपको पूरा देखना है, तभी आपको ये चीज पूरी समझ में आएगी। भारत के सबसे बड़े राज्य आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी और पवित्र शहर वाराणसी गाइज में आपका स्वागत है। ये हिंदुओं की और इस देश की इस संस्कृति की सबसे पुराने शहरों में से एक है और इस शहर बनारस को वाराणसी, काशी और बनारस के भी नाम से जानते हैं और पुराणों में और अलग अलग कालखंड में जो इस शहर है उसका नाम भी अलग अलग रहा था। तो अभी मैं इस वाराणसी के खूबसूरत सा जंक्शन पे हूँ और यहाँ से निकलते हैं और ऑटो लेते हैं और सीधे निकलते हैं यहाँ से गंगा घाट पे और फिर सुबह होते होते हम लोग करेंगे बनारस का दर्शन। तो गाइस आज की प्यारी सुबह की शुरुआत करते हैं प्यारी सी चाय के साथ और एक्सप्लोर करेंगे इस प्यारा सा खूबसूरत सा शहर बनारस का। और ऑटो वाले भाई साहब ने लिया मुझसे 20 रुपए और पहुंचा दिया स्टेशन से सीधे मुझे इस चौक पे जिसका नाम है गोदौलिया चौक। और यहाँ से जो घाट है जिसका नाम है दशाश्वमेध घाट, वो करीब 500 से 600 मीटर की डिस्टेंस पे, तो अब हम मुझे चलना पड़ेगा वहाँ तक पैदल। और ये रही उसकी सड़कें जाने के लिए। और आज है 31 जनवरी 2023 का और अभी सुबह सुबह 5 बजे के आसपास का ये सीन है मार्केट का। तो करीब 10 मिनट तक सड़कों पे लुढ़कने के बाद मैं पहुंच चुका हूं दशाश्वमेध घाट पर और ये यहां पे सुबह के 5 बजे का सीन है। काफ़ी लोग धीरे धीरे जमा होना स्टार्ट हो चुके हैं और यहां पे ठंडा बहुत ज़्यादा है, चूँकि नदी के किनारे में खड़ा हूं तो ठंड भी लग रही है, बट बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी इस ठंड के पानी में नहा रहे हैं गाइज। तो गाइस अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और अब जो चहलकदमी है इस रूट की वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है और काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो अब सड़कों पर निकलना स्टार्ट कर दिए। और अभी फिर से मैं उसी घाट पे पहुंच चुका हूँ दशाश्वमेध घाट पर। और मैं इतना जल्दी यहाँ पे करीब 5 बजे इसलिए पहुँचा था ना क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि जो सुबह का गंगा आरती होता है उसको मैं देख सकूँगा, लेकिन वो जो आरती वो किसी दूसरे घाट पर होता है और वो यहाँ से काफ़ी दूरी पर था, तो इसलिए मैं वहाँ पर जा नहीं सका। तो अभी 7:30 बज रहे मैं वापस पुनः घाट पे पहुंच चुका हूं और ये देखो अभी प्रेजेंट का सीन कुछ इस प्रकार से है। जिस वक्त यहाँ पे मैं आया था उस वक्त तो सूर्योदय जो है वो भी नहीं हुआ था, लेकिन अब देखो सूर्योदय होने के बाद जो पानी से सुनहरी कलर की जो चमक आ रही है वो और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अब देखो कैसे यहाँ की जो चहलकदमी है वो बढ़ती जा रही है। क्या बोट पे अकेले तो नहीं जाएंगे ना? वो अच्छा वो लाइफ जैकेट वाला कितना चार्ज क्या है? 50 रुपये चलेंगे चले आइए। ये शहर बनारस की क्या ही बात करी जाए गाइस, कितना सुंदर और ज़बरदस्त सीन है गाइस यहाँ का भी देख सकते हो। सुबह सुबह का मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, सामने से सूर्योदय हो रहा है और बीच में नदी का जल है वो काफ़ी ज़्यादा प्लीजेंट और खूबसूरत है, प्लस सुनहरी कलर की लग रही है। और फाइनली मैं बोट पर पहुँच चुका हूँ और अब यहाँ से बोट स्टार्ट हुई और चलेंगे नदी के उस किनारे पर और फिर वहाँ से हो सके तो सारे घाटों का हम लोग करेंगे भ्रमण। तो गाइस पूरे ब्लॉग में बने रहो और वीडियो को पूरे अंत तक देखना। चालू कर जनरेटर। अच्छा कौन सा पक्षी है जी? साइबेरियन बर्ड। अच्छा वो टापू है कि नदी इतने चौड़ा है? आ जाओ आ जाओ।
तो गाइस ये देखिए, ये गंगा रिवर, उसके पास वहाँ दशावमेघ घाट है, और उस घाट से हमने बोट ली, और बोट वो जो ले आ करके हम लोग इस टापू पे छोड़ दिए। अच्छा भैया एक चीज बताइए, ये टापू उस पार भी नदी है ना, मतलब ये टापू है कि नहीं है? टापू है ना, तो उधर से भी नदी होगा ना, ये दूसरा किनारा है तो यहाँ नदी इतनी चौड़ा है, मतलब यहाँ गंगा नदी बस इतनी चौड़ी है। हमको तो लग रहा था ये टापू है, उसके बाद फिर उधर नदी है। क्या कौन सा जगह है उधर फिर आगे? कटेश्वर रामनगर। अच्छा तो गाइस ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, ये जो रिवर है इतनी, यहाँ पे बनारस का, बनारस में जो गंगा नदी है वो इतना ही चौड़ी है, और मैं बनारस के अभी बिल्कुल उस पार से इस पार बोट से होकर के आया हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा यहाँ का काफ़ी सुंदर नज़ारा, ये आपको ना बिल्कुल डेजर्ट की तरह लगेगी, और साथ में यहाँ पे घोड़े हैं, साथ में ऊँट भी है, आप उनकी भी सवारी कर सकते हो। हर एक जो ऊँट और घोड़े की सवारी के चार्ज वो 100 रुपीज़ है, और जिस बोट से मैं होकर के आया था वो बस 5 मिनट के लिए यहाँ पे रुकी हुई, उसके बाद ये राउंड में जाएगी और हर एक जितने भी घाट से यहाँ उसको कवर करने वाली। तो कहते मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ, आप यकीन नहीं मानोगे इतना ज़्यादा अच्छा और इतना मस्त वाइब आ रही है ना कि बस आप यकीन नहीं कर सकते हो। और जो आप उधर दूर में देख पा रहे हो वहाँ पे मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखाऊंगा, वो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो कि डायरेक्ट नदी से लेकर के जो आपका मेन विश्वनाथ जी का मंदिर है वहाँ तक कॉरिडोर बनाया हुआ है। और हो सके तो अभी टूर पे मैं भी बोट वाले भैया लेके जाएंगे तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, बट काफ़ी मस्त और मतलब अच्छा वाला एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल आता है कि आप अपने आसपास में कई पैसे खर्च कर देते हो लेकिन इन सब जगह पे कम खर्चे में आकर के ये जो फील आप गेन करते हो ना, यकीन मानो आप ऐसी फील कभी और कहीं दूसरी जगह पे जाकर के गेन नहीं कर सकते हो। तो फिलहाल बोर्ड पे चढ़ते हो, फिर उसके बाद जितने सारे घाट उसको भैया जी टूर करवाएंगे आपको। ब्लॉग में पूरी बने रहो, ब्लॉग पसंद आए को जरूर लाइक करना, आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद ही आएंगे। और ये भैया जी हैं बोर्ड वाले भैया जी, कितना देते रुकते हैं यहाँ पे? तो मतलब 25 मिनट हम यहाँ कर सकते क्या? और ब्लॉग जाइए घूम के किधर घाट घुमाने जाए। अच्छा नहीं तो अभी कितना तो रुकेगा घाट जाने से पहले? यहाँ पर अभी तुरंत जाए, तुरंत निकल रहे ना, तो इसलिए मैं ज्यादा ये नहीं कर सकते क्योंकि भैया जी तुरंत निकलने वाले, तो मैंने आपको दिखाया। आई होप ये वीडियो थोड़ी पूरी आपको पसंद आई होगी। मानो गाइस जितनी आप जो भी चीजें आप अपने आसपास में घूमते फिरते हो, जहाँ भी आप छोटी मोटी जगहों पर जाते हो और 2,000-3,000-4,000-3,000 रुपए तक खर्च करते हो ना, यकीन मानो उन पैसों को सेव करके आप इस जगह पे आते हो ना बहुत नेक्स्ट लेवल की फीलिंग आएगी, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। इससे पहले भी आए थे बोट वाला सफर? बोट वाला सफर पहली बार कर रहे हैं ना, मजा आ रहा है ना? आंटी जी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बाकी लोग को भी आना चाहिए ना, वो लोग क्या करते हैं इधर उधर छोटा मोटा पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के पैसा खर्च करते, इस जगह पे आओ, अपना संस्कृति को पहचानो, अपना इतिहास को जानो, बनारस घूमो। अभी आपका सूरज कहाँ पड़ेगा? सूरज आर आपका भैया? अभिषेक कुमार। अभिषेक कहाँ से आप लोग? हम लोग छपरा से हैं। छपरा बिहार से ना, इधर कुछ स्पेशली घूमने आए और भी कोई काम ऐसा कुछ था? नहीं नहीं ऐसे कि रिलेशन शादी में आए थे। हाँ तो मन करा कि काशी सारनाथ आए थे तो सोचा कि बनारस भी घूम लिया जाए। हाँ बनारस घूमने आना तो बहुत ऐसे आना लगा रहता है लेकिन सोचे कि बहुत लंबे समय हो गया क्या घूम लिया जाए। अच्छा भैया एकदम यहाँ पे आने बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम नेक्स्ट लेवल फीलिंग्स आ रहा है ना, लगता है कि एकदम स्वर्ग में आ चुके हैं। स्वर्ग ऐसा लग रहा है क्या? बाबा की नगरी बिल्कुल सही बात। और ये बोले ना भारत की संस्कृति से पहचान है भारत का, मतलब युगो युगो से बनारस है, प्रयागराज है, आने की ऋषि दुर्वासा वगैरह है, अभी बोलो पता नहीं जब से हम लोग दिमाग सोच नहीं सकता तब से ये जगह है। गाइस यहाँ आने के बाद आपको पता चलता है कि आप क्या है, आप एक घाट देखो पूरी नदी के किनारे जो है ना कहीं पे आपको बालू का दर्शन ही नहीं होगा, जमीन से लेकर के बिल्कुल बोट तक मतलब नाव तक मतलब जहाँ पे पानी है। आप लोग भी ना जो ब्लॉग को देख रहे होंगे यकीन मारो इतना अच्छा है ना कि आप आने के बाद ना मतलब बहुत ज्यादा खुशी होगा, आपको लगेगा जितने सारे पैसा आप खर्च करें वो बाइक बाइक मशहूल हो जाएगा। बहुत मस्त है व्यू है, जो नहीं आ सकते वो यहीं से इंजॉय करो, लेकिन जो आ सकते वो यहाँ आ करके जरूर विजिट करना है। बढ़िया भैया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भैया को सपोर्ट करें, सपोर्ट करें, लाइक भी करें। और ये सब ना बरसात में पानी जो है ना वो जो दीवार वगैरह दिख रहा है ना जहाँ पे पेंटिंग उन्टिंग किया हुआ है ऊपर तक चल जाता है, इसे देख के ही लग रहा है ना कलरफुल वगैरह वैसे कुछ। पानी तो पता नहीं देख के थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक प्रतीत होता है बट साफ सफाई बहुत ज्यादा अभी यहाँ पे है, और जो नमामि गंगे परियोजना है ना वो धरातल पर बिल्कुल साफ सुथरा और सही में वो कामगार साबित हो रहा है।
और ये जो गाइस आप अभी देख रहे हो ये है मणिकर्णिका घाट, और मणिका घाट के जस्ट बगल में यहाँ दशाश्वमेध, सॉरी क्या बता रहे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ये जो आप देख पा रहे हो। और हम लोग अब फिलहाल यहाँ के बाद जो है वो मंदिर के अंदर ही जाएंगे, मंदिर परिसर में जाएंगे, तो आप ब्लॉग में बने रहो। देवों के देव महादेव की नगरी वाराणसी से गाइस आपके लिए ये दिव्य दर्शन कर लो आप भी काशी विश्वनाथ मंदिर की। ये देखो कितनी भव्य और विशाल ये मंदिर परिसर है, और यहाँ पर जो ये आपको ऊपर में रस्सियों जैसी टंगी हुई दिख रही है, एक्चुअली ये लाइट लगी हुई है, रात में बहुत ही प्यारा लुक आता है यहाँ पर। अभी ये जो सामने आप मंदिर देख रहे हो इसके अंदर जाने के लिए चार गेट है, और हर एक गेट से एंट्री लेने के लिए आपको तीन लेयर की सिक्योरिटी पास करनी पड़ती है। आप अंदर मोबाइल या फिर किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेकर के अंदर जा नहीं सकती हूँ। फिलहाल यहाँ तक मोबाइल अलाउ है, तो मैं यहाँ से बैठ के आपके लिए वीडियोग्राफी कर रहा हूँ, और वो जो वाइट वाला आप देख रहे हो वो है काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर को डैमेज करके जो बनाया गया आर्किटेक्चर जो आप देख पा रहे हो। और मंदिर परिसर से बाहर आने के लिए ये है गंगा द्वार जो सीधे गंगा घाट की तरफ जाती है। काशी वाराणसी को दिव्य और भव्य बनाने की ये बस शुरुआत है। अभी यहाँ पे और भी जो निर्माण कार्य हैं वो हो ही रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा बड़ा भव्य और बहुत ही ज़्यादा विशाल क्षेत्र में ये वाराणसी का जो मंदिर है उसको बनाया गया है। बहुत सारे लोग यहाँ प्रतिदिन आते हैं, दर्शन करते और फिर जाते हैं। इतनी खूबसूरत ये है ही कि लोग यहाँ अपने आप आने को मजबूर हो जाते हैं, और फिर आने के बाद यहाँ की जो सुंदरता है उसमें वो लुप्त हो जाते हैं। और जो लोग मंदिर परिसर तक इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के जा नहीं सकते उसके लिए एक्सकेलेटर भी है, और साथ में ये जो सीढ़ी है मेन सीढ़ी उसके बाएं साइड जो है वहाँ पे एक स्लाइडिंग सरफेस टाइप से आप जाने की, जो लोग और दिव्यांग लोगों के लिए उधर बगल से सीढ़ी है। तो गाइस फाइनली मैं अभी जो है पूरा मंदिर परिसर भ्रमण करने के पश्चात ही बाहर आ गया हूँ, और 100-150 सीढ़ियाँ उतरने के बाद आप इस घाट पर आते हो, और इसी घाट पर से आपको वो दशाश्वमेध घाट जहाँ पे हम लोगों ने स्नान करा था और फिर जिससे यहाँ से हम लोगों ने बोटिंग किया था वो जो घाट है वो आपको यहाँ से दिखाई पड़ता है। और ये देखो यहाँ पे सामने जो है ललिता घाट है, यानी पूरी वाराणसी के पूरे गंगा नदी में सीढ़ियाँ लगी हुई है, और हर 10-10 या फिर करीब 50 फीट के बाद जो है वो घाट का नाम जो है वो बदल जाता है। तो गाइस फाइनली इतना सारा घूमना फिरना तो वो हमने कंप्लीट कर लिया। 31 जनवरी सुबह के 11 बज रहे, और ये था बनारस का विजिट। घूमते घूमते मैं वापस पहुंच चुका हूं उसी जगह पे जहां से मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी, और ये था गोदुलिया चौक। तो गाइज आज के इस ब्लॉग का अंत काशी के इस दिव्य शहर से करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें,